Student, you all are welcome to Gyan Jyoti Online Classes. Today I am introducing the chapter number 10 of your MP book. What is your chapter's name? A kind man in the village. A kind man in the village. Kind man मतलब क्या? Kind मतलब बहुत अच्छा, जो कि सबका दुख दर्द समझे, सुने, ठीक है? Kind man, बहुत अच्छा man, ठीक है? तो हम पढ़ते हैं. Everyone in the village loved Bhola Dadu. तो वो काइंड मैन कौन थे? भोला दादू. कौन थे? भोला दादू. तो वहां भोला दादू बोल के काइंड मैन थे. कौन थे? भोला दादू. सो भोला दादू वाज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीवन इन नीड. तो भोला दादू जो काइंड मैन थे, जो कि सबको हेल्प करते, सबका भला सोचते थे, तो वो क्या करते थे? जिसको भी जब हेल्प की जरूरत होता था, जिसको भी जिसकी हेल्प की जरूरत होता था, उसको उस टाइम में हेल्प करते थे. चिल्ड्रेन वुड गो टू भोला दादू विद देयर बुक्स. चिल्ड्रेन भी भोला दादू के पास क्या लेके जाते थे? बुक्स लेके जाते थे. उनका पढ़ाई के लिए बुक लेके जाते थे. ही वुड सिट विद देम अंडर द नीम ट्री एंड हेल्प देम स्टडी. फिर भोला दादू भी नीम ट्री के नीचे बैठ के नीम ट्री के नीचे बैठ के उनको पढ़ाते थे. किसको? तो भोला दादू बहुत अच्छा थे, ठीक है? वो सबको हेल्प करते थे, इसके लिए उनके पास बहुत सारा चिल्ड्रंस भी आते थे बुक्स लेके कि हमको ये बता दो, हमको ये पढ़ा दो. तो उसके लिए भोला दादू क्या करते थे? एक नीम ट्री था. कौन सा ट्री था? नीम ट्री था. वो नीम ट्री के नीचे बैठ के उन सबको पढ़ने के लिए मदद करते थे, पढ़ाते थे, कुछ समझाते थे. यस. सो व्हेन समवन नीडेड मनी दे वुड रन टू भोला दादू. और किसी को अगर पैसे का जरूरत होता था तो उन लोग भी भोला दादू के पास दौड़ के आते थे. और क्या बोलते थे? तब भोला दादू क्या बोलते थे? हाउ विल आई फाइंड मनी फॉर यू व्हेन आई डोंट हैव एनी फॉर माय सेल्फ. फिर भोला दादू बोलते थे, मैं कैसे तुमको मनी दूँ, मैं कैसे तुमको पैसा दूँ जबकि मेरे पास पैसा नहीं है. फिर भी वो क्या करते थे? भोला दादू would ask and he would look around in his small room and find a few coins he had kept here or a few notes. फिर क्या होता था? वो ऐसे बोल के भी वो फिर क्या करते थे? उनका रूम में देखते थे जाके कि कहाँ वो रखे हैं क्या पैसा. फिर ढूंढ के ला के उनको देते थे जो हेल्प मांगने आता था. मनी के ऊपर लेके मतलब पैसा का है. एवरी मॉर्निंग भोला दादू वुड सिट अंडर द नीम ट्री एंड ईट ए फ्यू हैंडफुल ऑफ राइस. ठीक है, हर दिन क्या होता था? नीम ट्री के नीचे कौन बैठते थे? भोला दादू आके बैठते थे और एक मुट्ठी पॉप राइस खाते थे. पॉप राइस मतलब क्या? जो होता है मुरमुरा. ठीक है, एक मुट्ठी मुरमुरा खाते थे. एंड फॉर एवरी माउथफुल ही एट ही वुड थ्रो सम फॉर द बर्ड्स एंड स्क्वायरल. और एक मुट्ठी जब वो खाते थे, वो एक कटोरी में डालते थे, ऐसे करके जब खाते थे थोड़ा जो बच जाता था हाथ में उसको फेंक देते थे. किसके लिए? बर्ड्स एंड स्क्वायरल के लिए. और वो साइड में बैठ के वो कौन कौन पढ़ रहे थे? चिल्ड्रंस लोग पढ़ रहे थे. आप लोग पिक्चर्स में भी देख पाओगे चिल्ड्रंस पढ़ रहे थे नीचे बैठ के. वन डे भोला दादू डिड नॉट टर्न अप एट द नीम ट्री. एक दिन क्या हुआ? भोला दादू वो नीम ट्री के नीचे आए ही नहीं. Then the birds and squirrels got worried. Then the children also worried. And their parents also got worried. फिर क्या हुआ? जब वो पेड़ के नीचे बैठने नहीं आए, रूम में ही रह गए, सब चिंतित हो गए, worried हो गए. मतलब सबको चिंता, मतलब सबके मन में कुछ चिंता खा गया कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों वो नहीं आ रहे. कौन कौन? worried हो गए. birds worried हो गए, squirrels worried हो गए, childrens हो गए, उनके parents, सब लोग ओरियन हो गए, उनके बारे में सोचने लगे कि क्या हुआ भोला दादू को, क्या हुआ. देन दे वेंट टू भोला दादू लिटिल रूम. फिर सब लोग क्या किए? भोला दादू का जो छोटा सा घर था वहाँ सब गए. देन द बर्ड्स एंड स्क्वायरल पीप्ड इन थ्रू द विंडो. बर्ड्स एंड स्क्वायरल विंडो से झांक के देख रहे थे.
चिल्ड्रन पीप्ड इन थ्रू द डोर, चिल्ड्रन लोग डोर जो गेट था वो गेट से ऐसे झांक के देख रहे थे। देन द पेरेंट्स वेंट राइट इन, और उनका जो पेरेंट्स थे उन लोग अंदर में गए उनके पास। एंड भोला दादू वाज इन बेड इन, तो देखे कि भोला दादू बीमार होके बेड में पड़े हैं। देन टाइम फॉर मी टू लीव द वर्ल्ड, फिर और क्या बोल रहे हैं वो, टाइम फॉर मी, ये वो टाइम है कि मैं वर्ल्ड छोड़ के चला जाऊंगा, मतलब ये ऐसा टाइम है कि मुझे वर्ल्ड छोड़ के चले जाना पड़ेगा, मतलब मैं मर जाऊंगा। He said, the birds and squirrels were sad to hear this. The children began to cry. और ये सुन के वो बच्चे, birds, squirrels सब लोग परेशान हो गए और बोलने लगे और रोने लगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? Yes. Just then, someone came in. It was the village doctor. Yes. उसके थोड़ी देर बाद वहाँ कोई आया, वो कौन था? उनका गांव का डॉक्टर। और वो डॉक्टर क्या बोले? You will be fine in a few days. वो डॉक्टर बोले तुम बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में तुम सही हो जाओगे। Then he said giving भोला दादू some medicine. ऐसे बोल के वो क्या दिए? भोला दादू को कुछ मेडिसिन दिए। Then भोला दादू said thank you. Not at all. I need to thank you for teaching me. That is how I could become a doctor. फिर वो भोला दादू को डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? नहीं, मुझे थैंक यू मत बोलो, मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप मुझे पढ़ाए हो, इसके लिए मैं आज डॉक्टर बनी हूँ। मतलब वो डॉक्टर को भी भोला दादू पढ़ाए हैं। Then the doctor sent some people off for food. फिर क्या हुआ? वो डॉक्टर कुछ पीपल, कुछ लोगों को भेजे कुछ खाना देके। देन ए नाइबर ब्रॉट सम हॉट टी, उनका पड़ोसी जो था वो भी गर्मा गर्म चाय देके उनको भेजे। देन द चिल्ड्रन क्लैप, फिर चिल्ड्रन लोग ताली मारे, बर्ड चीर्ड, बर्ड्स लोग उनको उनका लैंग्वेज में गुनगुनाए। देन द स्क्वायरल शुक देयर टेल, स्क्वायरल उनका टेल्स को, उनका पूंछ को हिलाए। एंड द भोला दादू स्माइल, एंड भोला दादू स्माइल किए। द विलेज वाज थैंकिंग हिम फॉर हिज काइंडनेस, और उनका पूरा गांव, उनका पूरा विलेज भोला दादू को थैंक्स कर रहे थे। क्यों? उनका काइंडनेस के लिए, उनका जो अच्छाई था, उनका जो हेल्पिंग नेचर का वो थे, उसके लिए सब उनको थैंक यू बोल रहे थे। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? नो एक्ट ऑफ काइंडनेस इज एवर वेस्टेड, नो एक्ट ऑफ काइंडनेस इज एवर वेस्टेड। पीपल रिमेंबर योर काइंडनेस एंड गिव बैक लव, काइंडनेस हेल्प्स स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। तो हमको हमेशा कैसा रहना चाहिए? काइंड रहना चाहिए। सबको क्या देना चाहिए? वी जस्ट गिव ऑल टू लव एंड हैप्पीनेस। सबको हम क्या देना चाहिए? लव एंड हैप्पीनेस देना चाहिए। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। पढ़े चैप्टर्स में आपका चैप्टर का नाम क्या है? ए काइंड मैन इन द विलेज। मैं और एक बार स्टोरी को बता देती हूँ। काइंड मैन मतलब क्या? जो सबका हेल्प करता है, जो सबका बात सुनता है, जो सबसे अच्छा होता है। तो एक गांव में एक काइंड मैन थे, उनका नाम क्या था? भोला दादू। तो वो क्या करते थे? सबको हेल्प करते थे, ठीक है, सबको वो हेल्प करते थे, मतलब बच्चों, बूढ़ा, पेरेंट्स, फिर बर्ड्स, एनिमल्स, सबको हेल्प करते थे। तो वो एक बहुत छोटा सा घर में रहते थे और उधर बच्चे आते थे, क्यों? पढ़ने के लिए। बच्चों को भी वो पढ़ाते थे, समझाते थे, उनको हेल्प करते थे उनको पढ़ाई में। वो जिसको पैसे का प्रॉब्लम था उन लोग भी उनके पास आते थे, और जिसको कुछ डाउट है उनको वो पूछने आते थे। और भोला दादू सबको हेल्प करते थे, उनके पास पैसा हो ना हो, ढूंढ के जहाँ से भी कुछ कॉइन्स जुगाड़ करके उनको हेल्प करते थे। ऐसे थे भोला दादू, बहुत काइंड नेचर का थे, बहुत अच्छे थे। और वो क्या करते थे? हर दिन वो उनके पास एक नीम ट्री था, वो नीम ट्री के नीचे बैठ के हर दिन वो पॉप राइस खाते थे, मतलब मुरमुरा खाते थे। और उधर से थोड़ा थोड़ा पॉप राइस फेंक, मतलब दे देते थे किसको? बर्ड्स एंड स्क्वायरल को दे देते थे।
और उधर ही चिल्ड्रंस लोग बैठ के पढ़ते थे। एक दिन क्या हुआ, वो भोला दादू आए ही नहीं। कहाँ नहीं आए, वो मतलब नीम ट्री के नीचे आए ही नहीं बैठने के लिए। तो सब परेशान हो गए, सब वरीड हो गए, सब देखने गए क्या हुआ भोला दादू को। देखे तो भोला दादू बीमार पड़े हैं। फिर क्या किए, उन लोग डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर फिर मेडिसिन दिए और उनको ठीक कर दिए। तो ये हो गया आपका स्टोरी। अब हम एक्सरसाइज डिस्कशन करते हैं। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्या है, आंसर दिस क्वेश्चन है, क्या है आंसर दिस क्वेश्चन है, फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है, Why did the villagers love Bhola Babu? Because Bhola Babu was a kind and generous person. वो बहुत अच्छा आदमी थे। Why did Bhola Dadu sit every morning? Bhola Dadu हर morning में हर सुबह कहाँ बैठते थे? Bhola Dadu was sitting under a neem tree every morning. वो एक नीम ट्री के नीचे हमेशा बैठते थे। Why were the children birds and squirrel worried? Children, birds and squirrel क्यों परेशान हो गए? क्योंकि भोला दादू एक दिन वहाँ और नीम ट्री के पास नहीं आए और वो बीमार पड़ रहे थे। Who gave medicine to Bhola Dadu to help him get well? The doctor, the village doctor gave him medicine to Bhola Dadu to soon to get well. Then circle the right word. सर्किल करना है, मैं टिक कर दी हूँ। देखो बी नंबर यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया है। तो वो क्वेश्चन में जो डेक्स है वहाँ क्या होगा, आपको उसको सर्किल करना है। मैं क्या दे दी हूँ, टिक कर दी हूँ, आपको गोल घुमाना है, गोल गोल करना है। जैसे कि भोला दादू वाजे डेक्स मैन, इधर क्या होगा, भोला दादू वाजे काइंड मैन। सेकेंड नंबर, ही शेयर ब्रेकफास्ट विद द बर्ड्स एंड डेक्स, ही शेयर ब्रेकफास्ट विद द बर्ड्स एंड स्क्वारल। देन थर्ड नंबर, भोला दादू हेल्प द चिल्ड्रेन हेल्प द डेक्स। भोला दादू किसको हेल्प करते थे, चिल्ड्रेन को हेल्प करते थे विद देयर स्टडीज, उनको पढ़ाई के लिए। भोला दादू वॉज इन बेड बिकॉज ही वॉज डेक्स। भोला दादू उनका बेड में थे क्योंकि वो बीमार थे। देन द डॉक्टर सेंड सम पीपल टू ब्रिंग डेक्स। डॉक्टर कुछ पीपल को क्या लाने के लिए बोले, फूड लाने के लिए बोले। देन वी कम टू द सी नंबर, कलर द स्माइलिंग फेसेस टू शो थिंग्स दैट मेक अदर्स हैप्पी, कलर द सैड फेसेस टू शो थिंग्स दैट मेक अनहैप्पी। तो इधर कुछ स्टेटमेंट दिया है, इसको आपको पढ़ना है। जो कि आपको हैप्पी फील कराता है वहाँ कलर देना है, एक कलर जो आपको सैड फील कराता है, दुखी कराता है, वहाँ पे और एक कलर देना है। तो ये हो गया आपका सी नंबर। देन वी कम टू द डी नंबर, डी नंबर एक गेम खेलने का है, उसको छोड़ो। देन कम टू द ई नंबर, काइंड कबीर हैड स्टार्टेड ए काइंडनेस क्लब, ही वाज लुकिंग फॉर मेंबर्स, आर यू काइंड इनफ टू जॉइन द क्लब, इन ऑर्डर टू जॉइन यू नीड टू राइट एनी थ्री काइंड थिंग्स यू डू। तो यहाँ क्या करना है, आपको इसका काइंड क्लब में ज्वाइन करना है। तो क्या करना है, इधर आप क्या काइंडनेस दिखाती हो, आप डॉग्स को एनिमल्स को खाना देते हो, कि आपको फ्रेंड्स को हेल्प करते हो, कि आपका मदर्स पेरेंट्स को आप घर में हेल्प करते हो, इधर लिखना है। आप कौन सा अच्छा अच्छा काम दिन हो करते हो उधर लिखना है। यस, सो ये हो गया आपका चैप्टर ए काइंड मैन इन द विलेज। ए काइंड मैन इन द विलेज, काइंड मैन मतलब तो मैं बता दी, जो सबको हेल्प करते हैं, जो सबको अच्छा अच्छा बोलते हैं, जो सबका हमेशा भला चाहते हैं, वो होते हैं काइंड मैन। और जो काइंड मैन है ना, उसको सब प्यार करते हैं, कोई भी उसको प्यार नहीं करता, ये नहीं, सब प्यार करते हैं, सब उसको अच्छे बोलते हैं, सब उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। अगर उनको कुछ हो गया तो सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो सबको हेल्प करते थे। यस, तो यहाँ पे भी भोला दादू काइंड मैन थे, वो सबको हेल्प करते थे। उसके लिए उनको जब बीमार पड़े सब परेशान हो गए, सब हैरान हो गए, सबको दुख हो गया, सबके अंदर दुख भर गया, सब रोने लगे, क्या करें। और एट लास्ट उनका जो विलेज डॉक्टर थे, जो विलेज डॉक्टर को कि भोला दादू खुद पढ़ाए थे और वो डॉक्टर बने हैं,
वही डॉक्टर उनको हेल्प किए और उनको ठीक किए। तो ये हो गया आपका ए काइंड मैन इन द विलेज। व्हाट इज द मोरल बिलो ऑफ द स्टोरी? द मोरल बिलो ऑफ द स्टोरी इज वी शुड लव टू अदर्स एंड वी शुड गिव हैप्पीनेस टू अदर्स। सो ये चैप्टर खत्म हो गया। एक्सरसाइज को ट्राई करो घर में करने के लिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।